हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आज आपको डायमेंशन बताने वाला हूँ। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मैं देखो जेई और नीट का ही स्पेशलिस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं आज डायमेंशन। मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, याद है तुम्हें? पहले मैंने आया था फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ाया था? फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैंने पढ़ाया था तुम्हें यूनिट। फिर इसके बारे में मैंने डिटेल बताया था तुम्हें, जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि समय बिताने से कोई फायदा नहीं है। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ डायमेंशन, और मैं आज से ही क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं 11 12 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जेई और नीट स्पेशलिस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। तो देखो डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन ऐसे तो डिफिनीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे जानने के लिए होता क्या है तो देख लो। इट इज़ द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या होता है, या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी एफ क्यू, या बेस क्वांट को बी पी लिखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, पहले इसको मिटा दें, इरेज करें। इससे पहले जाकर देख लेना, लेकिन एक बार मैं समय बचाने के लिए बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो ये होता क्या है। तो हमने पढ़ाया था लेंथ, मास, अब शॉर्ट में लिखा टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, देखो लेंथ यही जो होता है ना, इसी को बोलते हैं एफ पी क्यू या बी पी क्यू। ठीक है, इसी को बोलते हैं इट इज द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब मस्ट बी रेस टू इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट। देखो लेंथ का, देखो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, जो इसका जैसे लेंथ हो गया, तो इसका हम एल ले लेते हैं। ठीक है, और इसको इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखे हैं इट इज डिनोटेड बाई दिस ब्रैकेट। ओके, ठीक है। अब देखो, अब ये लेंथ अकेले है ना, एक है तो एक पावर दे दो, जैसे एक है, देखो एक है तो एक दे देंगे। ठीक है, मास है तो मास कितना है, 1 है तो 1, इसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। बस इसी को ऐसे लिखा गया। टाइम का देखो ना, यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ का एल होता है, मास का एम होता है, टाइम का टी होता है, टेम्परेचर का याद रखना है के होता है, कहीं कहीं के नहीं देता है, कभी कभी थीटा देता है, याद रखना। रेशमी एंड हॉलीडे जब बुक यूज करोगे तो उसमें थीटा दिया है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का तुम ए भी लिख सकते हो। एक और बात, जितने भी फॉरेन राइटर है, जो अच्छे लेवल का बुक है, उसमें आई लिखता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि कोई थीटा बोलते हैं या आई बोलते हैं। अब डिनोट डिपेंड करता है कहाँ कैसा मेंशन करना है तुमको। अब देखो कैंडेला का सी डी लिखा ही है, लिख लो। मोल का एम ओ एल ई मत लिख देना है, एम ओ एल ई मत कर देना है, एम ओ एल करना, क्योंकि डायमेंशन है। ठीक है, चलो समझ में तो आ रहा है मेरे बच्चे। चल अब देखो, तो अब पहला बताते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने समझाते हैं डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। बेसिक चीज़ है, डिस्टेंस होता है टाइप ऑफ लेंथ। तो लेंथ को लेंथ ही लिखा जाता है, लेंथ का डायमेंशन अभी तुम ऊपर पढ़े हो, लेंथ। दूसरा का होता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो टाइप ऑफ लेंथ है, इसको भी ये लिख दो। अब आता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। देखो डिस्टेंस का एल होता है, अभी तुम देखे हो यहाँ पे, और टाइम का टी होता है। ठीक है, ये भी देखो ऐसे ऐसे ब्रैकेट, तुम्हें पता है ना कि जिसका भी डायमेंशन उसको ब्रैकेट में कर दो। अब देखो एल ऊपर है, आइए नीचे है, तो इसको भी ऊपर ले जाओ, तो टी माइनस वन हो जाएगा। इस पर भी 1 पहले से छुपा है, इस पर भी 1 छुपा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब दोनों को एक ब्रैकेट में कर दो, तो एल टी माइनस वन, देखो कहीं ऐसे लिखा होगा स्पीड का, देखो ना यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। अब आओ वेलोसिटी बताते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिस्टेंस होता है,
लेकिन डायमेंशन में लगभग दोनों सेम होता है, यूनिट दोनों का सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है, इसका भी एल इसका भी टी, तो इसका लिख दो एल टी माइनस वन। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। एक्सेलरेशन आ जाओ, एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, शॉर्ट में लिख दो वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का क्या आया है, एल टी माइनस वन और नीचे टी है, देखो टी पर एक छुपा है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जो चीज़ प्लस होता है ऊपर जाकर माइनस, नीचे माइनस होता प्लस हो जाता है। देखो एक एल है तो एक एल, देखो दो गो टी है, दोनों को सेम साइन है तो दोनों को जोड़ दो, तो एक्सेलरेशन के याद कर लो। अब आओ फोर्स, फोर्स वहाँ एफ बराबर एम ए होता है, तो एम का क्या होता है, देखो तो ऊपर एम का, देखो मास का एम होता है ना, तो याद रखना, तो देखो इसका एम बड़ा एम कर दो। एक्सेलरेशन का देखो अभी तुम बताए हो क्या आया है, दो को ब्रैकेट है तो एक कर दो, बस हो गया। इसको याद करो, अभी अभी याद करो, अभी याद करो फाइव स्टार, क्योंकि कितनों भी बड़ा अगर क्वेश्चन होगा ना, हम फोर्स में ही तोड़ेंगे उसको, तो इसको याद करो। एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ए का होता है एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, डी डी स्पीड का होता है एल टी माइनस वन, एकदम जुबाप होना चाहिए ये सब चीज़ें, तभी जाके जेई निकालोगे, नीट निकालोगे, क्योंकि ये कन्फर्म है कि कोई भी क्वेश्चन होगा हम तोड़ेंगे इसी फॉर्म में, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना यार, तुम्हें नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा, समझे। चलो ठीक है, अब आप वर्क के बारे में जानते हैं, जगह ही नहीं यार, हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है तुम लोग पॉज करके देख लेना। बहुत सारे बच्चे इस बार जेई में निकाले हैं, मेरा फिजिक्स पढ़ाया हुआ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस बार तुम लोग भी निकालो, क्योंकि वो तो ऑफलाइन थे, ऑनलाइन पर भी धमाल मचाना है ना। चलो अब एरिया है, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो देखो लेंथ को एले होता है, अब ब्रेथ को भी हम लोग एले होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको मीटर में ही नापते हैं, तो देखो एल टू हो गया, तो ये याद रखो। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है एल बी एच होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको भी लेंथ होता है, इसका भी लेंथ होता है, इसका भी लेंथ होता है, तो देखो ना एक 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 एल थ्री, ठीक है। अब डेंसिटी, मास बटा वॉल्यूम, एक बार पढ़ लोगे ना तो याद आ, देखो मास का एम होता है, अभी वॉल्यूम को निकाले हो एल थ्री, इसको ब्राई कर दो, इसको ब्राई कर दो, जो चीज़ नीचे होता है प्लस में ऊपर जाकर माइनस में होता है, हो गया डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी छूट गया है, मिटाते हैं, पॉज करके देख लेना। मैं देख समय नहीं बिताना चाहता हूँ ना, वीडियो को पॉज करोगे बैक करोगे तो फिर आ जाएगा ये। प्रेशर, फोर्स बटा एरिया, देख लो यहाँ भी लिख दिए हैं, बस यहाँ डेंसिटी छूट गया, यहाँ प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स का अभी तुम पढ़ाए थे क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू, अभी पढ़ाए हैं जस्ट टू पर, ध्यान से देखो, देखो दो एल है, आई देखो सेम सेम है, ये एक कट जाएगा तो एक बचेगा ना, एक तो बचेगा, अब इसको ऊपर ले जाओ जो बचा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये किसका हो गया, प्रेशर का हो गया, याद करो। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, वीडियो पॉज करो,
नोट करो, तब तक हम डेंसिटी मिटा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन न छोड़ना जेई में, भवानी माई के कसम देते हैं बेटे, पूरा एकदम कंठस्थ पढ़ के जाओ। मेरा एक बार वीडियो देख लो ना, मैं ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जेई नीट थ्योरी पूछता ही नहीं है, 1-2% चांसेस होता है। तो न्यूमेरिकल बनाने पर ज़्यादा ध्यान दो, और न्यूमेरिकल बनाने के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट केवल मैं देता हूँ। तो पहले जाओ मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर यहाँ पर आओ। अब देखो क्वेश्चन, आज से खाली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होगा। अब आओ एनर्जी देखो, एनर्जी एनर्जी दो तरीके का होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे तो बहुत एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। देखो मैथ का डायमेंशन नहीं होता, अभी आगे लिखवाने वाले हैं। देखो भाई मास है तो मास का m हो जाएगा, और वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होगा lt-2। इस पर भी पहले से 2 है, lt-1 होता है सॉरी, इस पर ही पहले से 2 है, तो क्या होगा ml2t-2, याद कर लो। इसका देखो m का m होगा, g का क्या होता है, a को ही g कहते हैं, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसेलरेशन है ये। तो देखो इसका lt-2, देखो ऊपर तुम एसेलरेशन का क्या निकाले, देखो यहाँ पर देखो ना एसेलरेशन का निकाले, देखो lt-2। तो कोई तुमसे पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो एम जी एच होता है, एम का एम हो जाएगा, जी का lt-2 हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ml2t-2। अब एक और चीज़ देखो, ये भी एनर्जी था, इसका भी वही आया है, अब पोटेंशियल एनर्जी का भी वही आया है ml2t-2, यहाँ पे एल है ml2t। अब बताइए इसका भी सेम, इसका भी सेम। तो अब देखो कहने का बात क्या है, ऑल डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, देखो कोई भी एनर्जी हो, एनी एनर्जी, उसका डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 होता है, तो याद कर लो इसको, ठीक है, याद हो जाएगा, कर लोगे याद, तो याद कर लो इसको, याद क्या करना है यार, तुम लोग प्रैक्टिस करते हो। ml2t-2 एनर्जी कोई भी हो, बस सरफेस टेंशन हो, देखो सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का भी पढ़ा है, बोले थे ना इसीलिए याद को लो, हर एक जगह आएगा ml t-2, लेंथ का एल था, देखो एल से एल गया भीतर, अब अच्छा ml t-2 बस हो गया। अब आप ले, अब बढ़िया बढ़िया मिलेगा। अब आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी, जी के बारे में कैसे ही चलेगा। तो देखो एफ बराबर होता है जी m1 m2/r². अब देखो जी क्या होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, एफ होता है फोर्स, m1 मास है, m2 भी मास है, अरे मास है बस, मास है नाम है बस, 1 2, आर है रेडियस। अब सुनो हमको जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से इक्वेशन है, इसको इधर भेजो, जिसको निकालना है उसको अकेले करना होता है ना, तो इसको इधर भेजो, देखो तो एफ r² हो जाएगा, आई m1 m2 के नीचे करो, जिसको निकालना है उसको अकेले करो, बाकी इसको इधर भेजो, इसके नीचे भेजो। अब देखो एफ का तुम्हें बोला था ना बेटा याद कर लो, ये एफ तुम्हारा जीवन नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए बोल रहे याद कर लो ml2t-2। आर माने रेडियस, रेडियस देखो इसका डायमेंशन क्या होता है ml t-2, मास का एम होता है, कोई भी मास उसका एम होगा, रेडियस का एल होता है, तो रेडियस का एल होता है पहले से 2 है, 2 का स्क्वायर। आ देखो एम एम, इसका भी एम, इसका भी एम, थोड़ा सा जगह चाहिए, समझ मज में आ रहा है पूरी तरह से, देखो यार इसको था, ठीक है। अब सुनो हाई देखो, हाई हो जाएगा ml t-2 l2
ये कितना होगा एम ए गो, कितना होगा दो गो, आई होगा जी। देखो दो गो एम से एक गो एम कट जाएगा तो ए गो एल और दो गो एल तीन गो एल, और नीचे बचेगा एम। अब बताइए वो एम बचा है तो ऊपर जाएगा तो माइनस एम वन हो जाएगा, एल थ्री हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, यही है जी का डायमेंशन। देखो हम कहीं कहीं ये छोड़ रहे हैं ब्रैकेट, तो तुम कंप्लीट कर लेना यार। देखो यहाँ पर छूट रहा है, खैर तुम लोग बेसिक पर ध्यान दो ऐसा भाई, कौन बोर्ड का एग्जाम देना है कि इस पर भाई ध्यान दे रहे हो कि ये ब्रैकेट छूट रहा है वो छूट रहा है, बस मेन मोटो आना चाहिए तुम्हारे पास, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बस काफी है। मुझे चैनल बनाने के बस एक ही मकसद है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए और इजी वे में समझ में आए। समझ में आया जी का क्या होगा, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इज इट क्लियर? ओके अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम देखते रहना वीडियो, पॉज करते रहना, देखते रहना वीडियो, पॉज करते रहना, देखते रहना, देखते रहना वीडियो, पॉज करते रहना। समझे कि नहीं? अरे समझा सब कि नहीं समझा रे, समझा तब जेई काल के दिखाओ इस बार, कोई भी क्वेश्चन हो बना दो उड़ा दो। चलो ठीक है अब आओ यहाँ से कहानी चालू करते हैं, 100 ट्रिक 4 सेकंड का वादा किए थे, अब नो आता है जेई वाला भरमार, उतना तो उस सब तो नीट के लिए था एक तरह से समझो, आसान आसान। अब आओ ये जो क्वेश्चन आता है मैथ का, बड़े बड़े विद्वान लोग हिल जाता है, जानते हो जितने भी मास्टर है ना इसको लंबा ट्रिक से बताता है, एकदम मतलब 3 मिनट 5 मिनट लग जाता है इसको सॉल्व करने में, और नीट वाला तो देख के ही छोड़ देता है, कहता छोड़ दे क्या जरूरी है इतना बनाने का। अरे पकलोला ये बनाने में तुम्हें मिनिमम 2 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड। अब देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है dx है, 2ax है, क्योंकि मैथ वाला तो थोड़ा बहुत जानता भी है, अब नीट वाला क्या करेगा इसको कैसे बनाएगा, वो तो फॉर्मूले देख के उलट जाएगा रे, जिसको कैसे बनाए एन का मान पूछ रहे। जा तो तुम्हें एक चीज पहले पता होना चाहिए इसको जानने से पहले, क्या यहाँ नोट लिखो, नोट खा, नोट खाए में मजा आता है, खाओ नोट। देखो क्या ऑल मैथ्स मैथमेटिक्स फॉर्मूला आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस इज इट क्लियर? देखो दुनिया में जितने भी मैथ्स का फॉर्मूला है वो सब डायमेंशनलेस होता है मेरी जान, तो देखो ये सब का होगा इसका डायमेंशनलेस होगा, माने जैसे इसको वन लिख सकते हो यार सिंपली वन, मैंने उसका डायमेंशन होता ही नहीं है, वन लिख दो उसकी जगह ठीक है। जैसे तुम्हें पूछेगा दू का डायमेंशन बताइए, दू का डायमेंशन तो क्या करोगे, तो डायमेंशन लेस लिख दोगे, डायमेंशन लेस। या इसको कभी कभी बुक में ऐसा लिख देता है, देखो तो उल्लू बनाने के लिए m0 l0 t0, देखो मतलब क्या भाई, ये दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 माने एक 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 एक, लेना एक ही आ गया जा, इसका मतलब है तो एक ही होता है ना, मैंने ये समझने के लिए ही तो बकलो बकचो जैसे तुम्हें समझा रहे हैं, मैंने समझ जाओ, कहीं कहीं 0 0 लिखो तो भी समझो को डायमेंशन लेस है, या नाम दे देगा तो भी समझो, या एक दे देगा तो समझो, मतलब डायमेंशन लेस समझने का, कहीं भी डायमेंशन लेस वर्ड लिखा है ना उसका मतलब होता है या तो वन या तो 0 लिखा होगा, किसी के ऊपर 0 लिखा होगा, किसी के ऊपर 0 लिखा होगा तो वो समझो डायमेंशन लेस, या तो नामे लिख देगा तो डायमेंशन लेस, आ कौन तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला कहीं √2 का डायमेंशन पूछे तमाम, कोई पूछेगा पाई के बता तमाम, कहीं साइन इनवर्स करता रुको अभी ऊपर कर, कहीं पूछेगा साइन थीटा का डायमेंशन क्या होता है बताओ ना बड़ा तेज तरह रहो, तो क्या होता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। कॉस थीटा डायमेंशन लेस, टेन थीटा डायमेंशन लेस, कॉट थीटा डायमेंशन लेस, साइन इनवर्स देखो इसको इनवर्स पढ़ते हैं रे, -1 लगाओ तो इसको इनवर्स, ये भी लेस डायमेंशन लेस, खत्म कहानी खत्म फिनिश। चलो समझ में आया, अब देखो कैसे उड़ाते हैं, 2 सेकंड मात्र, 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाए देंगे, मात्र 2 सेकंड में तो लगाएंगे।
इससे ज्यादा मैं लगा ही नहीं सकता यार, तुम लोग समझते नहीं। देखो जेई को फूंक देंगे ना भाई, वो जेई या नीट को फूंक देंगे, फूंक हवा में उड़िया जाएगा। बस खाली एक बार हमारा कॉन्सेप्ट हुआ तुम लोग पकड़ लो ना। देखो देखो क्या होता है, इसको मैथ वाले तनी सॉल्व करके दिखाए ना, 5 मिनट समय देते हैं ना। दरवाजा टूट गया तुम्हारा तो कौन है, ये नहीं सॉल्व होना है। देखो मैथ का मतलब क्या होता है, मैथ का मतलब ये भी होता है, dx होता है, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इस सब का डायमेंशन 1 होता है। तो बताइए मैथ है, मैथ का डायमेंशन 1 है, इसको तो निकालना है क्योंकि n पूछा है, क्या होता है, ये भी मैथ है, इसका भी 1, लो 1। अब बताओ 1 की जगह हम लिख दें x^0, तो देखो तो एक्स एक्स सेम सेम नाइन्थ वाला, तो एन बराबर 0, क्या कम था देख के बता सकते थे इसका। अब देखो ना यहीं पर हम इसके जगह 1 लिख देते, इसके जगह 1 लिख देते, हमको लगता है कि x^n आ गया 1, तो 1 की जगह 0 0 0 सेम सेम एन बराबर 0। ये तो बस समझाने में तुम कम समय ले रहे हैं रे बाबू, ये तो 2 सेकंड का कम हुए था। अब तुम कितना सोच रहा होगा, कहा ये बकलोला सबको यो नहीं आता होगा, 12th कर लिया होगा कि 1 है, तो सोच रहा होगा ये 1 की जगह कहीं ऐसे किए हैं। देखो जो यहाँ रहता है ना, क्योंकि ये चाहिए उसी के पावर में 0 कर दो, क्यों किए हैं, क्योंकि इसका मतलब वही होता है। दुनिया में कोनो भी चीज़ के पावर 0 हो नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी समथिंग कर लो ना, समथिंग के पावर 0 हमेशा 1। हाँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी लिख लो, 0^0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिटर्मिनेंट होता है, अनडिफाइंड होता है, जिसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो पढ़ोगे तुम लिमिट चैप्टर में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 1^0, 1^∞, तो इसका 0^0 1 नहीं होता है, ठीक है। बाकी दुनिया में कुछ भी के पावर 0 हो, तुम्हारा 1^0 1 होगा, 2^0 भी 1 होगा, 100^0 भी 1 होगा, x^0 भी 1 होगा, y^0, मेरा नाम के पावर 0 भी होगा तो भी 1 होगा। इज इट क्लियर? चल यहाँ तक पता है, इसको बना के दिखा, इसको बना के दिखा, 2 मिनट। आई बाबू ये सब जेई में पूछा है 2007 में, कौन 2011 में, फ्री में नहीं बताया, एससी वर्मा का ही क्वेश्चन भी है। चल मिटा रहे हैं, तुम लोग पॉज करके देखते रहना, समय नहीं है, बोर्ड वाला बच्चे नहीं हो तुम लोग कि बैठ के एक चीज लिखोगा, कोनो फायदा का काम नहीं, कॉपी भरते रहोगे। दिमाग बढ़ाओ, दिमाग बढ़ाओ, नहीं समझ में आ रहा, पेन ही यूज, पेन बस एगो ले लो, कॉपी का भी यूज मत करो, मेरे वीडियो देखते रहो, लगाते रहो, कॉपी में लिखने से कॉपी में ही रह जाता है, वो कभी खुलता भी नहीं है, समझे। चलो आ जा, इसको बनाते हैं। देखो इंटीग्रेशन dx√1 x² e^z(sin−1−xy), ठीक है। ये देखो मैथ है, मैथ है तो कुछ नहीं, खत्म, हटा, ये मैथ है तो इसका भी कुछ नहीं, मतलब 1 कर लो। अब कितना सोच रहा है, तो इसका भी तो 1 करेंगे, तेरे भाई तो 1 से गुणा करोगे तो वही चीज आ जाएगा ना, इसका मतलब कुछ नहीं, क्योंकि ये है ना, अगर ये भी नहीं रहता तो 1 लिख देते हैं। अब देखो e^0, तो इस बार e^0 करो, उस बार x^0 था, वहां पर x^n था, तो मैंने देखा x है तो x^0 कर दिया, यहाँ पर a है तो e^0 कर, क्योंकि कोई इसका वैल्यू है 1 होता है। देखो ना ये तो कितना यू सोच रहा होगा कि सीधा सीधी काहे नहीं लिख रहे, लो इसको पहले इसको बाद में, अरे बकलोला रे, e^0 देखो ये सेम सेम, तो z^0, ये समय लग रहा है रे, हम तो यही बता रहे थे, खत्म भाई खत्म, e^z मैंने e^z^0 है, समझ, 2 सेकंड काफी है बेटे। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे तब बनेगा, ठीक है, इसके लिए अभी 2 सेकंड चाहिए, तो अभी अभी नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट आगे पूछना पड़ेगा। चलो यहाँ तक अब क्लियर करो, और जितने भी एससी वर्मा क्वेश्चन है आज ही बनाओ, नहीं बने तो हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लिया करो। थैंक यू एवरीवन।